टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। GPSC यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी ओर से हाल ही में सिविल इंजीनियर्स को रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने जीपीएससी का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पेज ओपन है। इस पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली इस पेज को ओपन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो उस पेज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट बताए गए हैं। यहां पर पहला एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये जो क्लास 2 सिविल इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट चल रही है, ये इसमें बताया गया एडवर्टीजमेंट नंबर, और टोटल वैकेंसी 77 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 25/8/2022 से शुरू हो चुके हैं और 9/9/2022 इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने की। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो यहां आपको स्टेज की कॉलम में जो है एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा, या फिर अगर आप इसके एडवर्टीजमेंट को जानते हो, इसकी सारे डिटेल को जानते हो और डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो आइए पहले इसके एडवर्टीजमेंट के बारे में जानते हैं डिटेल में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट या जो वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड कर रखी है। टोटल 77 है, जिसमें जो जनरल यानी ओपन जो कैंडिडेट हो गए, जनरल कैंडिडेट हो गए अनरिजर्व्ड, उनके लिए 46 वैकेंसीज है यहां पर। उसके बाद आप रिजर्व कैंडिडेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पे स्केल के बारे में बता दिया गया कि आपकी पे स्केल क्या होगी, आप पढ़ सकते हो यहां पर। ऑनलाइन सबमिशन डेट आपको बता दी गई है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, प्लस आपका इसके अंदर इंटरव्यू होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में जो लोग कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करेंगे और जो उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जाएगा। और एक बार आप इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट कर लिए जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी। कुछ रिक्रूटमेंट रूल भी रहेगी, एग्जामिनेशन आपके रूल इसमें कोई नहीं है। आपको एज के बारे में यहां बता रखा है कि जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की, यानी 9/9/2022, तो 9/9/2022 के दिन आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको, अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहां पर दे रखा है, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, ऑब्टेन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट इन इंडिया और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956, अगर ये आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहां पर आपको बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, यानी डिप्लोमा के अगर आप कैंडिडेट हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। वहीं पर आपको आगे दूसरी और एक रिक्वायरमेंट कही गई है कि द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट जनरल रूल। यानी ये जो आपके रिक्रूटमेंट रूल है, इसकी पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। उसमें कुछ रूल्स है बेसिक, वो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपके पास बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना जरूरी है। और आखिर में आपको थर्ड रिक्वायरमेंट बताई गई इसी के अंदर, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ, यानी गुजराती और हिंदी या फिर दोनों का आपको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपकी पोस्टिंग अगर लोकल गुजरात के किसी एरिया में होती है तो आपको लोकल पब्लिक से वहां पर डील करना होगा, आपका इंटरेक्शन उनसे होगा, तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जो गुजराती वगैरह होती है वो आपको आनी जरूरी है। अगर आप आउट ऑफ गुजरात के कैंडिडेट हो, अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन शर्त होगी कि आपको गुजराती थोड़ी बहुत बोलचाल आपको उसके अंदर आने चाहिए, पढ़ना लिखना आपको गुजराती में आना चाहिए, तो आप यहां पर एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के अंदर बताया गया कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहां पर, इसको ध्यान दीजिएगा। और प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन आपका होगा, प्रीलिम एग्जाम जो होगा आपके, वो टोटल 300 मार्क्स की होगी, जिसमें पार्ट ए जो है वो जनरल स्टडीज का होगा, जिसके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और पार्ट बी जो है आपका वो कंसर्न्ड आपके जो भी हमारे मेन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से होंगे, जो कि 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह कुल मिला के ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम आपको बता दिया गया है 3 घंटों का होगा, यानी 180 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आपको बताया गया है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और सिस्टम ऑफ मेरिट आपको बता दिया गया है, 50% वेटेज ऑफ प्रीलिम्स,
मार्क्स एंड 50% वेटेज ऑफ इंटरव्यू मार्क्स, यानी आपकी जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उसके अंदर 50% आपके प्रीलिम के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा और 50% वेटेज आपके इंटरव्यू को जो है कंसिडर किया जाएगा, और उनमें जो सर्वोत्तम होगे या उनमें जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम आपको बता दिया गया है 29th January 2023, ये आपको टेंटेटिव डेट बताई गई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट भी आपको बता दिया गया कि मार्च 2023 के अंदर कहीं आपका रिजल्ट आ सकता है। टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू आपको बता दिया गया है जुलाई 2023। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट या मंथ है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे आपके पास एक आउटलाइन रहेगी कि हमारा एग्जाम और इंटरव्यू कब हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको टेंटेटिव मंथ ऑफ रिजल्ट बता दिया गया है कि आफ्टर 10 working days From the last date of interview. Okay, तो ये सब कुछ आपको डिटेल इसके बारे में बता दी गई है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये उसकी पीडीएफ फाइल की लिंक है, और अगर आप रिक्रूटमेंट रूल को पढ़ना चाहते हो तो ये उसकी पीडीएफ फाइल की लिंक है, आप इजीली यहां से दोनों डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये तो था पहला अपडेट जीपीएससी की तरफ से फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से और भी अपडेट्स आप लोगों के लिए हैं, आप यहां पर देख सकते हो गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस सिविल में Class 1 and Class 2, नर्मदा एंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई एंड कल्चर एंड रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट Class 2 and Class 1। देखिए यहां पर जो है आप लोगों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं, आप इसको अगर देखोगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ के तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए इसके अंदर कितनी अहम पोस्ट यहां पर है। आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है ये, ठीक है, क्लास वन की ये पोस्टिंग है R&B के अंदर, यानी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल पोस्ट 5 है यहां पर, जिसमें जनरल 2 है और बाकी SC ST वगैरह या रिजर्व कैंडिडेट को दे दी गई है। ठीक है, उसी के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल क्लास 1 के अंदर नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसमें कुल 19 पोस्ट है, यानी 19 वैकेंसीज है, जिसमें से 9 जो है वो जनरल कैंडिडेट्स को है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद ही आप देख सकते हो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 के लिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर 13 वैकेंसीज है। उसके बाद आप देख सकते हो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, जिसमें क्लास 2 की पोस्ट है, नर्मदा वाटर रिसोर्स एंड वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट, तो ये इसमें 21 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। आपको यहां पर पे स्केल के बारे में बताया दिया गया है, इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप इसकी यहां पर पीडीएफ फाइल देख सकते हो डाउनलोड करके, इसमें जो आपको पे स्केल बताया उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। ऑनलाइन सबमिशन आपका 25 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 इसका ऑनलाइन सबमिशन डेट है, इसके दौरान जो है आप इसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब देखिए टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इसमें थोड़े से अलग होगी, 3 स्टेज होगा ये, एक तो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, यानी प्रीलिम में जो क्वालिफाई करेगी वो मेन में जाएगी, और मेन में जो क्वालिफाई करेगी वो इंटरव्यू में जाएगी। तो इस तरह से इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, रिक्रूटमेंट रूल भी रहेगी कुछ, एग्जामिनेशन रूल भी रहेगी कुछ, वो आप जो है यहां पर इसकी एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट रूल के बारे में यहां पर पढ़ सकते हो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको बता दिया गया है कि कैंडिडेट शैल पजेस अ बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग obtained from any universities, यानी जो recognized university है उनके द्वारा आपके पास BE या BTEC की civil engineering की degree होनी चाहिए। यहाँ पर भी diploma वाले eligible नहीं है, ठीक है। वहाँ पर दूसरी और आपको condition बता दी गई है कि possesses the basic knowledge of computer application as prescribed, and तीसरा रूल यहाँ पर है possesses adequate knowledge of गुजराती और हिंदी और both। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिक क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने होंगे। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता दिया गया है कि 3 स्टेजेस आपके होंगे इसके अंदर। प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, मेन एग्जामिनेशन होगा रिटन टाइप का, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम में आपको क्या होगा, तो पार्ट वन के अंदर आपके जनरल स्टडीज जो कि गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के होंगे 100 मार्क्स के, पार्ट टू के अंदर आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटों का रहेगा। पेपर टू की अगर बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग जो कि इंग्लिश में आपका पूरा पेपर होगा 300 मार्क्स का, और इसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटों का होगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये 500 मार्क्स के आपके पेपर होंगे प्रीलिम के अंदर। मेन एग्जाम की अगर बात करें तो इसकी डिटेल भी आपके सामने साझा कर रखी, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, और आपका इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा। अब आपको बता दिया गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन एग्जाम
एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इंटरव्यू। यहां पर प्रीलिम आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा। जब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो उसके अंदर मेन एग्जाम के अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा, और आपने इंटरव्यू के अंदर जो परफॉर्मेंस किया होगा उसके जो मार्क्स होंगे उसको यहां पर कंसीडर किया जाएगा, और दोनों के मार्क्स को मर्ज करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ टेंटेटिव डेट्स आपको दे रखी है, इन डेट्स को आप जो है आराम से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो यहां पर गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास वन, गुजरात सिविल सर्विस क्लास वन एंड क्लास टू, गुजरात म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर सर्विस क्लास टू, क्लास वन एंड क्लास। अब देखिए ये जो है इसमें किसी भी डिग्री या डिसिप्लिन से जो है अगर आप हो तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसकी एडवर्टीजमेंट को पढ़ोगे तो आपको यहां पता चलेगा ये 102 वैकेंसी निकली है यहां पर। ठीक है, काफी लोग इसकी तैयारी करते हैं इसलिए ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। देखिए यहां पर एनी ग्रेजुएट अपियर्ड इन लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर और एनी ग्रेजुएट एग्जाम वो यहां पर अप्लाई कर सकता है, और ये बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतरीन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का डिपार्टमेंट है पूरा जहां पर वैकेंसीज है, 102 वैकेंसीज है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी एग्जामिनेशन डिटेल, रिक्रूटमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ यहां पर दे रखा है, टेंटेटिव डेट वगैरह वगैरह आप यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जीपीएससी की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थे। मुझे उम्मीद है ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको देखिए इसमें अप्लाई करना है तो बस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया अप्लाई का पेज ओपन होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो अप्लाई और डिटेल्स दोनों है, तो यहां पर आपको अगेन अप्लाई पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको यहां पर कुछ क्वेरी है एप्लीकेशन को लेकर तो आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यहां पर आपको 100 रुपीज फीस भी पे करनी होगी, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके दोबारा आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। दोबारा अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो भी आपके क्रेडेंशियल है वो आपको यहां मांगे जाएंगे, और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन करने का तरीका है। बाकी सारी पोस्ट भी आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये जीपीएससी का ऑफिशियल डैशबोर्ड है एडवर्टीजमेंट का, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो और सारी डिटेल्स यहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था जीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।